हेलो एवरीवन चलो बच्चे एक अगले सेक्शन पे आ रहे हैं सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड देखना क्या कहता है ये सेक्शन उसने कहा इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट इट रिमेंस अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन तो पता है उसने क्या कहा उसने कहा जिस डेट को जिस डेट को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो डिविडेंड वहां से तीस दिनों के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए तो सुनो उसने क्या कहा देखो बेटा उसने क्या कहा सपोज यहां पर डिविडेंड बेटा डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर उसने कहा यहां से थर्टी डेज के अंदर अंदर वो डिविडेंड बेटा क्या हो जाना चाहिए डिविडेंड पे हो जाना चाहिए इन थर्टी डेज के अंदर अंदर ठीक है अच्छा फिर पढ़ो क्या कहा उसने फिर उसने कहा द अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिडेंट शैल बी ट्रांसफर टू अल अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक सच अकाउंट शैल बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंट अकाउंट आगे पढ़ो सच ट्रांसफर शैल बी मेड विद इन सेवन डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेन ऑफ डिविडेंट सुनो पता है उसने क्या कहा उसने कहा आपने जो डिविडेंट डिक्लेयर किया था ना वो थर्टी डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए पे सपोज सपोज कोई डिविडेंड पे नहीं हो पाया इन थर्टी डेज में या या कोई डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया मतलब पता है कई बार पता है क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं सुनना कई बार क्या होता है जैसे आप जब शेयर्स खरीदते हो ना तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना ईमेल आईडी उस ट्रांसफर शेयर फॉर्म में शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डालना पड़ता है ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ता है अब इमेजिन करो हुआ क्या एक शेयर होल्डर था ठीक है उसने अपना ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी को दिया एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग शेयर हुआ क्या उसके ई मेल में और कॉन्टैक्ट नंबर में आ गया चेंज उसने अपना ईमेल आईडी बदल दिया और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बदल दिया और उसने ये नया ईमेल आईडी और नया कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी के पास अपडेट नहीं करवाया <coughs> तो बेटा सोचो इस इस केस केस में में क्या होगा इस केस में, उस शेयर होल्डर को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया भी है तो इस डिविडेंड को इस डिविडेंड को वो शेयर होल्डर क्लेम कर ही नहीं पाएगा क्लेम तो तब करेगा ना जब जब उसे डिविडेंड के बारे में पता होगा या हो सकता है सुनो उसने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी कंपनी को ना दी थी उसके बैंक अकाउंट में चेंज आ गया पहले उसका अकाउंट था एसबीआई में वो अकाउंट उसने बंद करवा दिया एक नया अकाउंट खुलवा लिया बैंक ऑफ बरोडा में और बैंक ऑफ बरोडा की अकाउंट डिटेल्स उसने कंपनी को प्रोवाइड नहीं करी तो अपने आप सोचो कंपनी उसको डिविडेंड दे तो कहां पर दे बैंक अकाउंट में क्या आ चुका है बेटा चेंज आ चुका है तो इसे हम कहते हैं अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड तो उन्होंने बताया क्या कहा अगर 30 डेज में डिविडेंड पे हो गया वेल एंड गुड नहीं तो नहीं तो अगले सात दिनों के अंदर अंदर अगले सात दिनों के अंदर अंदर आपको यह अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा एक सेपरेट अकाउंट किसी बैंक में ओपन करवाना पड़ेगा इस अकाउंट को हम नाम देंगे अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट और यह पैसा सारा आपको इस बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर अगले सात दिनों के अंदर अंदर आपको जितना भी यह पैसा है जो आप पे नहीं कर पाए या जो पैसा शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं करा वो पैसा आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा अगले सेवन डेज के अंदर अंदर फिर अच्छा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ensure to the इन of इंश्योर टू of ऑफ द in प्रपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम मेरी बात सुनो उसने पता क्या कहा उसने कहा अगर यह पैसा अगर यह पैसा आपने सात दिनों में एक सेपरेट अकाउंट में जमा नहीं करा मतलब आपके पार्ट पे फेलियर हो गया तो आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी जमा करवाना पड़ेगा उस सेपरेट अकाउंट में और फिर पता है उसने क्या कहा उसने कहा ये इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट उन सब शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो ये जो इंटरेस्ट है 12 परसेंट का ये सब शेयर होल्डर्स में प्रपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा तो ये इंटरेस्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रपोर्शनेटली अमंग शेयर होल्डर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रपोर्शनेटली मंग शेयर होल्डर्स और यह इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स में उनके अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रेशियो में बचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ठीक है चलो कॉपी करो इतना पहले कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं चलो अब बेटा आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो सुनो देखो अब उसने क्या कहा उसने कहा विद इन नाइंटी डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम्स देयर लास्ट नोन एड्रेसेस अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन एंड स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एक बार पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर आपको कंपनी की वेबसाइट पे ठीक है आपको कंपनी की वेबसाइट पे एक नोटिस लगाना पड़ेगा कंपनी की वेबसाइट पे एक नोटिस लगाना पड़ेगा क्या 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 उस नोटिस में बताना है नेम उन लोगों के ठीक है उनका अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड और उनके लास्ट नोन एड्रेसेस हो सकता है ना किसी शेयर होल्डर के एड्रेस में चेंज आ गया हो तो उसके लास्ट नोन एड्रेसेस ये डिटेल्स आपको कंपनी की वेबसाइट पे लगानी पड़ेगी फॉर द सिंपल रीजन कि हो सकता है वो शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड के बारे में पता नहीं है वो कंपनी के वेबसाइट पे ये नोटिस पढ़ ले और उसे पता चल जाए कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो डिविडेंड उसने अभी तक क्लेम नहीं करा तो हो सकता है वो फ्यूचर में वो डिविडेंड क्लेम करने आ जाए अच्छा अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल टू अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट वही बात जो मैंने अभी बताई कंपनी ने बताओ वेबसाइट पे क्या प्लेस कर दिया नोटिस ठीक है उस नोटिस को पढ़ के एक शेयर होल्डर को पता चला कि यार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है और मैंने वो डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं करा है तो हो सकता है वो पर्सन कंपनी के पास आ जाए उस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए अब ये सुनना जरा एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी

कोई शेयर होल्डर अपना डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता है तो मुझे बताओ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा कब तक रहेगा वो पैसा रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन इयर्स रहेगा वो पैसा कहां पर रहेगा वो पैसा सेवन इयर्स तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा वो पैसा सेवन इयर्स तक और सेवन इयर्स में अगर किसी शेयर होल्डर ने उस अनपेड डिविडेंड को या अनक्लेम डिविडेंड को क्लेम नहीं करा तो सेवन इयर्स के बाद वो पैसा बेटा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में तो याद रखना ये सीक्वेंस है पूरा मेरे मेरे को बताओ स्टार्टिंग से सीक्वेंस क्या है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको पे करना है अगर पे नहीं हुआ या कोई डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ तो अगले सात दिनों के अंदर अंदर वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में इन अ बैंक ठीक है वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कब तक रहेगा सात सालों तक रहेगा बेटा और सात साल तक अगर वो डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ तो वो सारा पैसा चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अच्छा फिर उसने क्या कहा इंटरेस्ट अक्रूड इफ एनी ऑन सच मनी शेल ऑल्सो भी ट्रांसफर टू द फंड ऑब्वियस बात है आपने बैंक में पैसा जमा करवाया था अनपेड डिविडेंड का तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट आपको बैंक ने उस पैसे पे दिया होगा तो फंड में पूरा पैसा जाएगा मतलब अनपेड डिविडेंड का पैसा तो जाएगा ही जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है वो पैसा भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा ट्रांसफर टू द फंड कंपनी शेल फर्निश टू द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रिंग द सेड फंड ये मैं आपको बताऊंगा अभी अगले सेक्शन में सेक्शन 125 में अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड अच्छा फिर देखो All such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years shall be transferred by the company in the name of the fund. At the time of transfer of shares, company shall also file a statement containing the prescribed details. In case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of seven years, the shares shall not be transferred to the fund. So, know, one them, one them, simple. They have, for seven years, for seven years कोई अनपेड डिविडेंड का पैसा क्लेम करने नहीं आया कितने सालों तक सात सालों तक कोई भी शेयर होल्डर अनपेड डिविडेंड का पैसा क्लेम करने नहीं आया तो उन्होंने कहा अनपेड डिविडेंड का जो पैसा है वो सारा का सारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा प्लस प्लस जिन शेयर्स पे वो डिविडेंड है वो शेयर्स भी बेटा उस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे यानी मेरी बात सुनना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में क्या क्या ट्रांसफर होगा अनपेड डिविडेंड का पैसा तो जाएगा ही जाएगा प्लस जिन शेयर्स पे वो डिविडेंड है ना बेटा वो शेयर्स भी फंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ठीक है हां अगर कोई शेयर होल्डर इन सात साल के अंदर अपना डिविडेंड क्लेम कर लेता है तो शेयर्स को फंड में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा ही बात है। टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम द फंड लेकिन हाँ उन्होंने एक बात साफ साफ यहां पर कही है कि कोई भी शेयर होल्डर ना देखो यह मत सोचना कि पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया तो खत्म हो गया नहीं आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में से भी आप चाहो तो अपना अनपेड डिविडेंड का पैसा क्लेम कर सकते हो बस आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं लीगल फॉर्मेलिटीज हैं इनफैक्ट कुछ नहीं बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं ठीक है तो आप इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से आपका अनपेड डिविडेंड का पैसा क्लेम कर सकते हो और अपने शेयर उस फंड से वापिस ले सकते हो यह बेटा आपका कौन सा सेक्शन था यह सेक्शन था सेक्शन वन मेरे ख्याल से अनपेड डिविडेंड का पूरा केस बेटा क्लियर हुआ अब करते हैं हम सेक्शन 125 ठीक है आओ जरा सेक्शन 125 अच्छा ये सेक्शन किस चीज के बारे में ये सेक्शन है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या कहता है जरा सुनना ध्यान से सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड तो एक बात याद रखना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कौन एस्टैब्लिश करा किसने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है अंडर सेक्शन 205 सी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अब सुनना मेरी बात बड़ी काम की बात करूंगा मैं आओ जरा सेक्शन 125 देखो सेक्शन 125 देखो ये है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड पहले बताओ इसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फंड को क्या किया है कॉन्स्टिट्यूट अब मैं इसमें दो बातें करूंगा आपसे इस फंड में आएगा क्या क्या मतलब क्रेडिट्स क्या क्या होंगे इसमें और वो पैसा यूटिलाइज कहां कहां पर होगा तो इस फंड में पैसा आएगा कहां से और वो पैसा जाएगा कहां पर ये हम बातें करेंगे बेटा ठीक है चलो देखते हैं पैसा कहां कहां से आएगा सुनो बेटा बहुत सिंपल बातें करेंगे देखो सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर किया सेक्शन 124 में बताओ इसमें सबसे पहला पैसा बेटा कौन सा आ जाएगा अपने आप बताओ अनपेड डिविडेंड का पैसा जो क्लेम नहीं करा गया है कितने सालों तक सात सालों तक क्लेम नहीं करा गया है यज याद रखना अनपेड डिविडेंड का पैसा आ जाएगा सो सात सालों तक क्लेम नहीं करा गया है और क्या आएगा तो ये तो आ गया अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट अच्छा एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर सेवन ईयर्स

तो आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा है ना अब सुनो उन्हें क्या कहा अगर यह एप्लीकेशन मनी का पैसा आपने नहीं लौटाया शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं करा सात साल तक एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड मतलब रिफंड करना था लेकिन या तो नहीं करा या शेयर होल्डर्स ने वो पैसा क्लेम नहीं करा फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन इयर्स तो वो भी कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में और क्या आएगा मेच्योर्ड डिपॉजिट्स रिमेनिंग अनपेड फॉर सेवन इयर्स एंड इंटरेस्ट अच्छा मेच्योर डिपॉजिट मतलब आपको डिपॉजिट्स की रिपेमेंट करनी थी लेकिन लेकिन जो जिन्होंने आपको लोन दिया था ठीक है जिन्होंने आपको लोन दिया था उन्होंने अपने डिपॉजिट्स का पैसा क्लेम नहीं करा वो पर्सन आपको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे उन को, तो याद रखना, मेरी बात सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं मैंने क्या कहा आपके कुछ डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए हैं मतलब दे आर ड्यू फॉर रिडेम्शन लेकिन लेकिन जिन्होंने आपको लोन दिया था उन्होंने ये पैसा क्लेम नहीं करा सात साल तक या वो कंपनी को ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं हो सकता है उनका एड्रेस चेंज हो गया हो बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज हो गई हो उनका ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर बेटा चेंज हो गया हो वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं अच्छा ऐसा ही अगला है मेच्योर्ड डिबेंचर्स फिर से वही बात आपके डिबेंचर्स क्या हो गए हैं रिडीम हो गए हैं मतलब दे आर ड्यू फॉर रिडेमशन लेकिन वो रिडीम नहीं हो पा रहे हैं सात साल तक रिडीम नहीं हो पाए क्यों हो सकता है कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स के वेयर अबाउट्स पता ना चल पा रहे हो ठीक है अच्छा और नोटिस करना है? इन सबका ना साथ में इंटरेस्ट भी है इन सब का साथ में इंटरेस्ट भी है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा प्लस इंटरेस्ट ठीक है इन सब का इंटरेस्ट भी है कहां जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में फिर देखो रिडेमशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशिय रिमेनिंग अनपेड फॉर सेवन ईयर वही सेम बात आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पन है रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन उनका वेयर अबाउट नहीं पता चल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स मतलब ड्यू हुए हुए सात साल हो चुके हैं वेयर अबाउट नहीं पता चल रहे हैं आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट्स दी हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको डोनेशंस दी हैं, इस फंड को डोनेशंस दिए हैं इनफैक्ट ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फंड इस फंड को ग्रांट दी जा रही है डोनेशंस दी जा रही है यह सब पैसा कहां पर जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अच्छा हो सकता है आपने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया हो मतलब उस पैसे से कुछ क्या खरीद ली हो इन्वेस्टमेंट्स तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे बच्चे इनकम भी आएगी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो भी क्रेडिट होगी इस फंड में ठीक है ना ये हो गए आपके फंड में जो पैसा आएगा अब ये पैसा जाएगा कहां पर वो देखते हैं ये देखो देखो अच्छा बेसिकली इस पैसे से करा क्या जाता है अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जाती है इन्वेस्टर्स में उन्हें एजुकेट किया जाता है रिगार्डिंग वोलाटिलिटी इन मार्केट भाई मार्केट क्या होती है वॉलटाइल होती है फ्लक्चुएशंस मार्केट में आती हैं तो मार्केट को मार्केट को समझना जरूरी है मार्केट को एनालाइज करना जरूरी है तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा है उस पैसे के थ्रू जागरूकता फैलाई जा रही है इन्वेस्टर्स में उन्हें एजुकेट किया जा रहा है मार्केट की वोलाटिलिटी के बारे में उन मार्केट को एनालाइज कैसे किया जाए यह उन्हें समझाया जा रहा है आपने देखा होगा टीवी पे यह बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रेस काइंडली रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग ये सब बेटा क्या है यहां पर आप अवेयरनेस पैदा कर रहे हो इन्वेस्टर्स में उनको एजुकेट कर रहे हो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो यहां पर लिखो पैसा यूटिलाइज कहां पर हो रहा है प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे हो इन्वेस्टर्स में उनका एजुकेशन उन्हें एजुकेट कर रहे हो एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स तो ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी ना स्कीम्स चलाती रहती है और आप कई बार ना और ये सारी स्कीम्स ना न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन पे रेड एफएम पे रेडियो के थ्रू ये फैलाई जाती है जागरूकता उन्हें एजुकेट किया जाता है मार्केट की ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे मार्केट में फंक्शनिंग होती है ठीक है फिर देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस होता है कि कुछ फ्रॉड लोगों की वजह से ना कुछ फ्रॉड इन्वेस्टर्स की वजह से बाकी इन्वेस्टर्स को क्या होता है नुकसान तो जिन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है ना उन इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई कहां से करवाई जाती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से करवाई जाती है रि एंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसिस एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस ठीक है अच्छा अब आओ अगली बात पे सुनो एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल टू एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू द फंड में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड तो ठीक है याद रखना अगर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कोई पैसा ट्रांसफर हो गया ना तो तो आप उस पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से क्लेम कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए आपको अथॉरिटी को कंसर्न अथॉरिटी को आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और वो कंसर्न अथॉरिटी कौन सी है यहां पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड कौन कौन होगा उस अथॉरिटी में चेयरमैन होगा पता ये चेयरमैन जनरली कौन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी अच्छा सच अदर में टोटल सात मेंबर और हो सकते हैं प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब एक तो होगा चेयरपर्सन यानी चेयरमैन कह सकते हो प्लस कुछ और मेंबर्स होंगे सात से ज्यादा नहीं होने चाहिए प्लस एक होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टी का काम क्या होगा अथॉरिटी शैल एडमिनिस्ट्रेट दिकार्ड इन रिलेशन टू दिकॉर्डेड इन दिस्क्राइब बाई सेंट्रल ग्रोल ऑडिटर जनरल पावर्स ऑफ अथॉरिटी इट शेल बी कॉम्पिटेंट फॉर द अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड मतलब उस पैसे को कहां पर यूटिलाइज करना है यह अथॉरिटी की क्या होगी पावर अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुझे बताओ ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और कॉम्ट्रोलर ऑडिटेड अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट शैल गिव अ फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब पैसा कहाँ कहां से आया वो पैसा यूटिलाइज कहां कहां पर हुआ ये बात आपको एनुअल रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी ये एनुअल रिपोर्ट अथॉरिटी किसको दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एनुअल रिपोर्ट का और ऑडिट रिपोर्ट का बेटा क्या कर पाए इंस्पेक्शन उन्हें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहां से आ रहा है और वो पैसा यूटिलाइज कहां पर हो रहा है ठीक है बेटा ये आपका सेक्शन 125 तो 124 और 125 दो सेक्शन हमने करे बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू